13 नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने के बाद यूपी में टोटल मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है वो 31 से बढ़कर अब 44 हो जाएगी। वहीं अगर मैं एमबीबीएस सीट की बात करूं तो 3,234 से बढ़कर ये जो सीटें हैं वो अब 4,684 होने वाली है। अगर इन सभी सीटों पर इस बार काउंसलिंग हो जाती है तो क्या रहेगा यूपी में एमबीबीएस बीडीएस का कट ऑफ कैटेगरी वाइज, डिटेल में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। वन बाय वन सारी जानकारी आपको दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 10 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं कि कैसे उन्हें नीट की काउंसलिंग करानी है, कैसे एडमिशन लेना है और कौन सा कोर्स है उनके लिए बेस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि इसी तरीके की जो वीडियोस हैं वो आपको सही समय पर मिल सके और आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प हो पाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दोनों ही सिचुएशन अब बता रहा हूं कि अगर ये नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाते हैं तब आपका कट ऑफ क्या रहेगा, साथ ही साथ अगर नहीं होते हैं तब भी आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका बात करूँगा कि अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तो हमारे पास कितनी सीटें हैं, 3,234 सीटें हमारे पास हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कैटेगरी की तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी मैंने सब लिख कर रखा है। 2023 में क्या कट ऑफ थी, अब 2024 में क्या होगी अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं, तो बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 2023 में 21,215 पर मिला है, सीटें नहीं बढ़ी तब भी ये 23,000 के ऊपर जा सकता है क्योंकि यूपी में नहीं बढ़ेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं तो बढ़ेंगे ना आपके कॉलेज। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 22,628 पर मिला है तो 23,500 के ऊपर इस बार जाएगा। ओबीसी में आपका 22,843 पर अलॉट हुआ है और ये भी आपका 24,000 के ऊपर जाकर इस बार मिलेगा आपको। एससी कैटेगरी में 1,52,230 पर अलॉट हुआ है और इस बार अगर आपकी रैंक 1,70,000 तक है तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। एसटी में अगर आपका मैं बताऊं तो 5,49,732 पर कॉलेज अलॉट हुआ है और इस बार ये 6,00,000 तक भी जा सकता है, कब, जब सीटें नहीं बढ़े। अब देख लेते हैं कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं तब क्या सिचुएशन होगी। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो जनरल कैटेगरी में जो कॉलेज है वो 26,000 तक या इससे ऊपर तक भी मिल सकता है, मिनिमम 26,000 तक तो जाएगा ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यही जो है वो कट ऑफ 28,000 रैंक तक भी जा सकती है यूपी के अंदर। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अगेन 28,000 रैंक तक मिल सकता है। एससी कैटेगरी में अगर 2,00,000 रैंक भी आपकी आ रही है और सीटें बढ़ जाती हैं तो आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए और एसटी कैटेगरी में 7,00,000 रैंक वाले बच्चे को भी काउंसलिंग यहाँ पर करानी चाहिए। तो ये सारी कहानी थी आपकी एमबीबीएस की। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि बीडीएस में क्या कट ऑफ रहने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ मैंने कैटेगरी लिख कर रखी है, 2023 में क्या कट ऑफ था, 2024 में क्या रहेगा सीटें बढ़ने के बाद और सीटें नहीं बढ़ती हैं तब, पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। जनरल कैटेगरी में 29,850 पर मिला है, अगर सीटें नहीं बढ़ी तो ये 31,000 से ऊपर तक मिल सकता है और अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो यही 36,000 तक भी जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट नहीं था क्योंकि सीटें नहीं होंगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 36,318 पर मिला है, सीटें नहीं बढ़ी तो 38,000 और बढ़ गई तो 43,000 तक भी ये जा सकता है। ऐसे ही एससी कैटेगरी में 1,62,899 पर अभी तक मिला है, वहीं 1,70,000 तक अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो मिलेगा और अगर बढ़ जाती हैं तो 2,50,000 तक भी ये एससी कैटेगरी में मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 5,71,166 रैंक पर अलॉट हुआ है और अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो 6,00,000 और बढ़ जाती हैं तो 7,50,000 तक भी जा सकता है। ये कहानी थी आपकी एमबीबीएस बीडीएस की। आगे कोई भी अपडेट आती है तो उस पर वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊंगा। कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़कर अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भाई सबसे कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग हमारे यहाँ कराई जाती है। मात्र 1400 रुपए से हमारे जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दिए गए नंबर पर हमारी टीम से बात करके अपनी जो काउंसलिंग है उसकी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।